ओके okay, स्टूडेंट्स करें स्टार्ट गुड इवनिंग कितना हो गया था बच्चों लास्ट क्लास में आई थिंक मोलैरिटी चल रहा था मोलारिटी मोलैरिटी में कितना बताया था मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया था कि मोलैरिटी इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इनटू 10 टेन अपॉन मॉलिकुलर वेट ये करवा दिया था ओके okay. और डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट डाइल्यूशन वाला एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू हो गया था ठीक है नाउ राइट अ क्वेश्चन फाइंड मोलैरिटी ऑफ मोलैरिटी ऑफ एन सॉल्यूशन ऑफ एन एच विच इज विच इज फोर परसेंट Weight by volume, which is 4% weight by volume. Find the molarity of an echo solution of NUH, which is 4% weight by volume. Do it fast. करो फटाफट आंसर बताओ वन मोलर आ रहा है चलो देखें करें सॉल्व फोर परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इसका मतलब क्या होता है बच्चों फोर परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का मतलब बताओ कि फोर ग्राम ऑफ सॉल्यूट दैट इज एन एच इन हंड्रेड एम एल सोल्यूशन बताओ इतनी बात समझ आ रही है यही है मतलब मोलैरिटी इक्वल टू होता है वेट ऑफ बाय बायिकुलर वेट ऑफ सल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वेट कितना है बच्चों फोर बाय मोलिकुलर वेट कितना फोर्टी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हंड्रेड एम है क्योंकि तुम्हें लीटर में कन्वर्ट करना है तो ऊपर गया थाउजेंड ठीक है यहाँ भी तुम फॉर्मूला बना सकते हो देखो ये क्या था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और ये कितना बचा? टेन और ये मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट ठीक है सॉल्व कर लो कितना आया बच्चों? वन मोल और बात समझ तो जब तुम्हें परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगा दोगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगा दोगे बाकी रटने की तो कुछ भी जरूरत है ही नहीं तुम्हें पता है कॉन्सेप्ट तुम ये फॉर्मूला नहीं भी याद करोगे तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तुम तब भी सॉल्व कर लोगे लेकिन बस फार्मूला याद रखने से एक फायदा होगा कि क्वेश्चन जहाँ 40 सेकंड में होना है अगर तो 20 सेकंड में हो जाएगा एक मिनट में अगर सॉल्व होना है तो 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा ये फायदा मिलेगा बस इन फार्मूले के छोटे छोटे फार्मूले जो हैं ठीक है और एक चीज और आ गई तुम्हारे पास देखो मोलैरिटी इक्वल टू परसेंटेज वेट और मोलैरिटी इक्वल टू परसेंटेज वेट मॉलिक्यूलर वेट भी है। तो इस से तुम्हारे पास आ गया वेट इंटू डेंसिटी इंटू टेन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू टेन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोलूट ठीक है ये कैंसल आउट ये कैंसल आउट सॉरी टेन टेन कैंसिल किया है कभी कुछ और कैंसिल कर दो तो क्या बच्चा परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कभी करना हो तो फाइंड समझ में आ रही है इतनी बात आर यू गेटिंग दिस इसमें कोई कंफ्यूजन बताओ क्लियर है भी बताते रहो समझ में आई है बात या नहीं क्योंकि यहां तुम लोग बैठे नहीं हो जो मैं तुम्हारे चेहरे देख के समझ जाऊंगी बताना ही पड़ेगा तुम लोगों को क्लियर है वॉट इज डी डी इज डेंसिटी डी इज डेंसिटी डेंसिटी इन ग्राम पर एम एल नोटबुक देखो करवा चुकी हूं क्वेश्चन कर लिया नोट नोट कर लिया बच्चों ओके ओके अब तुम्हें सॉल्यूशन मिक्स करके जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस निकालने वाले क्वेश्चन करवाए थे क्या जैसे क्वेश्चन फाइंड देंट्रेशन ऑफ ई चायन ऑप्टेन्ड बायला टू फिफ्टी एम एल वन मोलर एन और दूसरा 250 फिफ्टी एम एल वन मोलर होमवर्क में दिए थे ऐसे क्वेश्चन ओके 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 तो अब ये क्वेश्चन करो 250 फिफ्टी एम एल वन मोलर और टू फिफ्टी एमएल वन मोलर के ओ एच इसमें फाइंड करो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन डन कर लिया बच्चों सॉल्व डन <coughs> हो गया देखो इधर एनए सीएल सॉल्यूशन सी एल सोल्यूशन में प्रोड्यूस करेगा एनए आयन प्लस सी एल आय टू एथ सोल्यूशन में प्रोड्यूस करेगा के प्लस प्लस ओ एच निगेटिव वन मोलर एनए सी एल तो ऑब्वियसली वन मोलर एन आयन मिल जाएंगे one mole produce हो रहे है? तो वन मोलर एन ए सी एल से यानी वन मोल पर लीटर ऑफ एन ए सीएल से वन मोल पर लीटर सोडियम आयन एंड वन मोल पर लीटर क्लोराइड आयन पहले बताओ मुझे इतनी बात समझ आई है टेल मी फास्ट बताओ भाई ओके तो अब देखो इधर वन मोलर के ओ तो वन मोलर पोटेशियम आयन मिलेंगे इससे और वन मोलर ओ एच आयन सोल्यूशन में अब इस सोल्यूशन का ढाई सौ एम एल और इस सोल्यूशन का ढाई सौ एम एल मिक्स कर दिया तो टोटल सोल्यूशन कितना हो गया बच्चों फाइव हंड्रेड एम एल ठीक है अब सोडियम आयन इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है दूसरे सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं है लेकिन सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन में मोल ऑफ सोडियम आयन तो उतने ही रहेंगे जितने पहले थे इस सॉल्यूशन में एने आयंस के जितने मोल हैं मिक्स करने के बाद भी एने आयंस के उतने ही मोल रहेंगे क्योंकि हमने मोल्स ऑफ एन चेंज नहीं किए क्योंकि दूसरे सोल्यूशन में एने आय है ही नहीं तो एनेस जितने इस सोल्यूशन के अंदर है मिक्स करने के बाद भी मोल्स ऑफ एने आय उतने ही रहेंगे और मोल्स क्या होते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मोल्स क्या होते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम सो फॉर सोडियम आयन यू कैन डू एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू एम वन कितना है सोडियम आयन का वन एम वन कितना है सोडियम आयन का वन और वी वन कितना है ढाई सौ एम एल एम टू हमें सोडियम आयन का फाइंड करना है कितना पांच सौ एम एल तो एम टू कितना बच्चों वन बाय टू दैट इज पॉइंट फाइव मोलर बताओ ये बात समझ आई है नहीं आर यू गेटिंग दिस मोल्स ऑफ एन आयन्स आर कंजर्व्ड तो एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू क्योंकि सोडियम आयन जितने भी थे इस सोल्यूशन में मिक्स करने के बाद भी उतने ही हैं सोडियम आयन क्योंकि कहीं और से तो मिल ही नहीं रहे बढ़े तो हैं ही नहीं और घटे भी नहीं है मोल्स कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो गया टोटल सोल्यूशन का सिमिलरली फॉर सीएल आयन इसी सोल्यूशन से मिल रहे हैं दूसरे से नहीं मिल रहे इसके लिए भी एम वन वी वन इक्वल टू एम टू बी टू करोगे और सीधा एम टू कितना आ जाएगा पॉइंट फाइव सिमिलरली फॉर पोटेशियम आयन

थ्री सी एल निगेटिव पॉइंट वन मोलर है तो मोलर मिलेगा, मिलेगा बताओ इतनी सोल्यूशन से मिल रहा है हमें दूसरे से नहीं मिल रहा है मतलब सोडियम आयन के मोल्स जितने हमने लिए थे इस सोल्यूशन के अंदर टोटल सोल्यूशन के अंदर भी उतने ही हैं सिर्फ सोल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो गया है सोडियम आयन के लिए तो सोडियम आयन के लिए तुम करोगे मोल्स टू एम टू वी टू तो ये हो गया बच्चों ढाई सौ एम टू कितना मुझे नहीं पता फाइंड करना है और ये हो गया पांच सौ एम एल तो एम टू कितना आया बच्चों पॉइंट वन बाय टू दैट इज पॉइंट ठीक है नाउ फॉर एल प्लस थ्री इस सोल्यूशन से आ रहे हैं दूसरे सोल्यूशन से नहीं मिल रहे हमें तो इसके लिए भी मोल कंजर्ब कितना एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू सॉल्व करोगे एम टू आ जाएगा बच्चों पॉइंट वन बाय टू दैट इज पॉइंट जीरो बताओ इतनी बात क्लियर है टेल मी फास्ट फिर मैं इसे रेस कर दूंगी क्लियर ओके okay. अब देखो इधर योगे एल प्लस थ्री एंड सोडियम आयन नाउ फॉर क्लोराइड आयन अब देखो क्लोराइड आयन दोनों सोल्यूशन से आ रहे हैं इस सोल्यूशन में भी क्लोराइड आयन है और इस सोल्यूशन में भी क्लोराइड आयन है मतलब क्लोराइड आयन के टोटल मोल्स कितने हुए हमारे पास सोल्यूशन वन में जितने मोल्स है प्लस सोल्यूशन टू में जितने मोल्स है सोल्यूशन वन के और सोल्यूशन टू के मोल्स को एड करके ही तो क्लोराइड आयन के फाइनल मोल्स आए हमारे पास हम्म क्लोराइड आयन और मोल्स क्या होते हैं एम इन टू या मिलीमोल से सॉल्व कर लो वॉल्यूम एम एल में है तो इसका मतलब मिलीमोल से सॉल्व कर रहे हो तुम ठीक है तो करो क्लोराइड आयन के लिए एम वन वी वन कितना है बच्चों तो इसके क्लोराइड आयन के लिए करोगे एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इक्वल टू फाइनल मोलरिटी फाइनल वॉल्यूम एम वन कितना है पॉइंट वन वॉल्यूम कितना है ढाई सौ प्लस एम टू कितना है बच्चों पॉइंट थ्री वॉल्यूम कितना है ढाई सौ एम और फाइनल मोलैरिटी हमें फाइन करनी है और वॉल्यूम फाइनल कितना हो गया पांच सौ एम तो बच्चों क्या आ रही है फाइनल समझ में आ रही है बात सबको क्लियर <coughs> है ओके टोटल वॉल्यूम से डिवाइड भी तो करना था Now, write next question. Find the concentration of each ion obtained by mixing 250 ml 0.1 molar HCl plus 250 ml 0.1 molar H2SO4. Find the concentration of each ion obtained by mixing 250 ml 0.1 molar HCl. एंड टू फिफ्टी एम एल पॉइंट वन मोलर एच टू एसओ फोर कर लिया धन देखो एस सी से आया एच आए प्लस सी एल आय एस टू एसओ फोर से आया ट्वाइस ऑफ एच आई प्लस सल्फेट आयन ये हो गया पॉइंट वन मोलर और ये हो गया पॉइंट वन मोलर और ये हो गया पॉइंट वन इंटू टू पॉइंट टू मोलर और ये हो गया पॉइंट वन मोलर ठीक है तो C l आयन से फिर सॉल्यूशन से आ रहे हैं तो C l आयन के लिए करोगे m1 v1 इक्वल तू m2 v2 सल्फेट आयन से फिर सॉल्यूशन से आ रहे हैं इसके लिए करोगे m1 v1 इक्वल तू m2 v2 और H आयन के लिए क्या करोगे m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल तू मोलरिटी फाइनल इनटू फाइनल वॉल्यूम m1 कितना है 0.1 250 प्लस एम टू कितना है पॉइंट टू ढाई सौ और फाइनल मोलैरिटी इन टू फाइनल वॉल्यूम बताओ क्लियर है बात डन कर लोगे सॉल्व ओके ओके सो नाउ कम टू मोलैलिटी मोलैलिटी मोल एल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन के जी वेट ऑफ सॉलवेंट इन के जी तो यूनिट क्या होगी बच्चों मोल पर के जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन के जी और स्मॉल एम से तो रिप्रेजेंट करते ही है और मोल्स को रख सकते हो वेट ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी ठीक है तो जरा एक क्वेश्चन लिखो यू हैव थ्री पॉइंट सिक्स फाइव ग्राम ऑफ एच सी एल इन इन फाइव हंड्रेड ग्राम ल्यूशन दैन फाइंड मोलैलिटी डन देखो इ

ये सॉल्यूशन का दिया है तुम्हें सॉल्वेंट पुट करना है कितना आएगा सॉल्वेंट? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कितना आ गया फोर नाइन सिक्स पॉइंट थ्री फाइव तो फोर नाइन सिक्स पॉइंट थ्री फाइव ग्राम और ये आ गया केजी में ऊपर थाउजेंड आई बात समझ हम्म तो जल्दबाजी में मिस्टेक तो नहीं करोगे फाइव हंड्रेड ग्राम नहीं है सॉल्वेंट सॉल्वेंट कितना है फोर नाइन सिक्स पॉइंट थ्री फाइव क्लियर चलो राइट नेक्स्ट फाइंड The molality of a solution, which is find the molality of aqueous solution of H2SO4, which is 49% by mass. हो गया बच्चों कर लिया सॉल्व मी डेंसिटी जरूरत है क्या डेंसिटी की हम्म मोलैलिटी फाइंड करनी है और फोर्टी नाइन परसेंट बाय मास है सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है फोर्टी नाइन परसेंट बाय मास का कि फोर्टी नाइन ग्राम

49 ग्राम सोल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना हो गया 51 ग्राम के जी के लिए ऊपर गया थाउजेंड फाइन कर लो टू गया लगभग लगभग टू अप्रोक्स वन कितना आ रहा है बच्चों आंसर नाइन पॉइंट एट या पॉइंट नाइन एट नाइन पॉइंट एट कैसे आ जाएगा अच्छा फिफ्टी वन टू हाँ 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 नाइन पॉइंट एट ठीक है ठीक है ठीक है नाइन पॉइंट एट मोल नाइन पॉइंट एट मोल हो गया डन <coughs> Ok, now right next find the molality of a solution, molality of an equ of methanol in which mole fraction of ethanol सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल इज पॉइंट फोर इज पॉइंट फोर फाइंड करो फटाफट देखो जरा मेथेनॉल यानी कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पॉइंट फोर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी क्लियर है ये बात और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस बी और इनका रेशियो हो गया एक्स बी अपॉन एक्स इक्वल मैंने तुम लोगों को बताई भी थी कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो इक्वल टू मोल्स का रेशियो ठीक है अब एक्स बी अपॉन एक्स ए ये यही कंटिन्यू कर देती हूं और एन बी इक्वल टू क्या होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ऐसी एन ए क्या होगा वेट अपॉन मोलर वेट बताओ इतनी बात क्लियर है तो ये एक्स बी अपॉन एक्स से इक्वल टू आ गया डब्ल्यू बी इन टू एम ए अपॉन डब्ल्यू अपॉन एम बी इनटू डब्ल्यू ए बताओ इतनी बात क्लियर है वेर बी रिप्रेजेंट सोल्यूट एंड ए रिप्रेजेंट सॉल्वेंट इतनी बात क्लियर है आप देखो इधर मैंने क्या किया ये एक्स बी अपॉन एक्स इक्वल टू डब्ल्यू बी इन टू एम एन एम बी इंटू डब्ल्यू ए देखो मोल्स जो होते हैं वो होते हैं वेट बाय मोलर वेट और ये मोलर वेट जो है ये ग्राम्स में तो जब ये ग्राम्स में तो ये वेट भी ग्राम्स में ठीक है एम मोलर मास भैया नंबर ऑफ मोल्स थे नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं वेट बाय मोलर वेट तो एम रिप्रेजेंट मोलर वेट ऐसे नंबर ऑफ ऑफ मोल्स बी रिप्रेजेंट इक्वल टू हो गए वेट बाय मोलर वेट एम रिप्रेजेंट मोलर वेट ठीक है तो ये सारे वेट्स हैं ग्राम में क्योंकि मोलर वेट तो ग्राम में होंगे ही होंगे तो जब ये ग्राम में होंगे तो ये भी ग्राम में होंगे क्योंकि तो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती तो डायमेंशन लेस तो तभी बनेगा जब इन सबकी यूनिट सेम हो अब मैंने क्या किया दोनों साइड थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं अब ये है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि ग्राम में था ऊपर थाउजेंड आते ही ये क्या बन गया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी तो वेट बाय मोलर वेट और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी ये क्या होता है मोलैलिटी और ये मोलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट इक्वल टू थाउजेंड इन तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू किसके आ गया बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन टू थाउजेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ये फॉर्मूला आ गया ये याद रखना और इससे सॉल्व करो देखो दोनों साइड थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दिया ये क्या है वेट ऑफ सोल्यूट ये मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी ये क्या बन गया ये क्या बन गया मोलैलिटी

जब एक्स बी पॉइंट फोर है तो एक्स से कितना हो जाएगा पॉइंट सिक्स इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मास्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या है वॉटर वॉटर का मोलर मास एटीन कर लो इसे solve. करो आंसर थर्टी सेवन थर्टी सेवन आएगा थर्टी सेवन पॉइंट सिक्स हो गया डन बच्चों ये फॉर्मूला तुम्हें तो याद रखना है कि ये आगे प्लस टू में भी काम आएगा सॉल्यूशन चैप्टर में ओके डन हम्म कर लिया हटा दो ये ओके okay. हम्म hmm. ठीक है Now find molality of each ion. Each ion in 0 0.02 molar aqueous solution of Na2SO4. डन कर दिया बच्चों देखो इधर Na2SO4 टू सॉल्यूशन फोर टू फोर सोल्यूशन में क्या प्रोड्यूस होगा ट्वाइस ऑफ एन ए आयन प्लस सल्फेट आयन तो ये अगर हमने लिया पॉइंट जीरो टू तो ये सोल्यूशन में क्या बन जाएगा पॉइंट जीरो टू इंटू टू सोडियम आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे इतने मोलल और पॉइंट जीरो टू मोलल सल्फेट आयन तो क्या आ गया बच्चों आंसर पॉइंट जीरो फोर मोलल तो सोडियम आयन आ गए और पॉइंट जीरो टू मोलल सल्फेट आयन बताओ क्लियर है ये बात या नहीं टेल मी क्लियर है ओके okay. नाउ Write questions for homework. Done a homework, Find the molarity of an aqueous solution of methanol. मिथेनॉल और सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर एम इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इज पॉइंट फोर ठीक है एंड सेकेंड क्वेश्चन होमवर्क के लिए मोलालिटी मोलैलिटी ऑफ थ्री मोलर एन एच एक्वा सोल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.2 ग्राम पर एम ठीक है सो दे आर टू क्वेश्चन एक क्वेश्चन है जिसमें मोलारिटी फाइंड करनी है मोल फ्रेक्शन मिथेनॉल का गिवन है पॉइंट फोर और डेंसिटी गिवन है सोल्यूशन की सेकेंड क्वेश्चन में तुम्हें मोलैलिटी फाइंड करनी है जिसमें मोलारिटी गिवन है सोल्यूशन की और डेंसिटी गिवन है ये होमवर्क है तुम्हारा प्रैक्टिस करना कल टेस्ट का मैं बता दूं कल मॉर्निंग में तो तुम लोगों की क्लास है शिखर बेस्ट थ्री कल मॉर्निंग में तुम लोगों की क्लास है और इवनिंग में पीडीएफ मिलेगा तुम्हें पीडीएफ मिलेगा तुम्हें तीन बजे ठीक है तो ऑनेस्टी से सॉल्व करना है चीटिंग मत करना किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है तुम्हें टेस्ट अपना एनालाइज अपने आप को एनालाइज करना है अपना एनालिसिस करने के लिए टेस्ट करना है ठीक है तो पीडीएफ मिलेगा तुम्हें ग्रुप में ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ईच है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीन घंटे का टेस्ट है ओके चलो ठीक है प्रैक्टिस करना ओके